हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के कुछ प्रश्न। तो चलिए फटाफट से जो है वो रेडी हो जाएं और क्वेश्चन पढ़ें, और उसके चार ऑप्शन देखिए कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन वन देखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस सेनापति को परास्त किया था? सर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस सेनापति को परास्त किया था? पुष्यमित्र शुंग, बिम्बिसार, सेल्यूकस निकेटर या मैग्नेस्थीज। तो सोचिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। मौर्य वंश से संबंधित है ये प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस सेनापति को परास्त किया था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें, मौर्य काल में शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता था? मौर्य काल में शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता था? ऑप्शन देखिए, ग्राम, मंत्रिपरिषद, लोकदल या इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या रहेगा कि मौर्य काल में शासन की जो सबसे इम्पोर्टेंट इकाई जो थी वो किसे मानते थे? ग्राम को मानते थे, मंत्रिपरिषद को माना जाता था, लोकदल को माना जाता था या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखिए ये क्वेश्चन। यदि आपके एग्जाम में आता है तो इसका जो आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे मंत्री परिषद। ठीक है, मौर्य काल में शासन की जो महत्वपूर्ण इकाई थी वो थी मंत्री परिषद। मैग्नेस्थीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की? ऑप्शन देखें, रत्नावली, इंडिका, प्रियदर्शनी या कादंबरी। मैग्नेस्थीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो सोचिए इसका जो सही आंसर क्या रहेगा। तो फटाफट से जो है वो आंसर देते चलिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है इंडिका। ठीक है, मैग्नेस्थीज ने जिस पुस्तक की रचना की तो उसका नाम क्या है? इंडिका है। राजसमंद जिले में स्थित कौन सा गांव बनास या आहट संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है? राजसमंद जिले में, तो ये राजस्थान से संबंधित प्रश्न है, राजस्थान के जीके में, कि राजस्थान जिले में स्थित कौन सा गांव बनास या आहट संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है? चंद्रावती, पचमता गांव, बालाथल स्थल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर जो है आंसर लगाना है सही। तो बिल्कुल राजसमंद जिले की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है बालाथल स्थल तो नहीं आएगा, चंद्रावती सिरोही में ये भी नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? पचमता गांव। ठीक है, क्वेश्चन फाइव देखें, अमरावती नामक श्वेत पाषाण निर्मित स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर है सिंधु नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, दजला फरात नदी के किनारे या बेड़च नदी के किनारे। सोचिए इसका सही आंसर। तो आप खुद ही जो है वो दिमाग लगाइए कि अमरावती कहाँ है। भारत की यदि मैप की बात करें तो दक्षिण में पड़ता है अमरावती। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी नदी है आपकी? सिंधु नदी तो नहीं होगा। ठीक है, दजला फरात नदी, इसके किनारे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पर श्वेत पाषाण निर्मित स्तूप की बात चल रही है। तो सोचिए बेड़च नदी के किनारे, तो ये तो उत्तर पश्चिम की बात हो गई, तो दक्षिण में जो नदी है, नदी से भी हम अंदाजा लगा सकते थे। तो इसका आंसर है कृष्णा नदी के किनारे। प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मथुरा, मगध, बज्जी और काशी। तो इस क्वेश्चन में भी बच्चे कई बार जो है आंसर गलत देते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो यहाँ पर इस चीज को आप जो है वो ध्यान में रखिए, प्रारंभ में पूछा गया है। तो यदि आप सोच रहे हैं इसका आंसर मगध होगा तो आप गलत हैं। मगध जो है वो बाद में सबसे शक्तिशाली राज्य बना। ठीक है, लेकिन प्रारंभ में था काशी। नेक्स्ट देखें, बैराट स्थल किस जनपद की राजधानी थी और यहाँ किस काल के अवशेष मिले हैं? तो ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पहले भी, रीट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, बैराट स्थल किस जनपद की राजधानी रही? तो ये किसकी राजधानी थी? चार ऑप्शन हैं आपके, फटाफट से आंसर जो है वो लगाइए। मत्स्य जनपद की राजधानी रही और यहाँ पर हमें किस काल के अवशेष मिले, ये आपको ध्यान में रखना है।
सोचिए क्या आंसर रहेगा। ताम्र पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं यहाँ पर, महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, क्या रहेगा सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, बिल्कुल सब बताएं, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिए हैं आपको, मत्स्य जनपद की राजधानी और महाभारतकालीन अवशेष यहाँ मिले। काल के आधार पर वेदों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? वैदिक काल और अवैदिक काल, ऋग वैदिक काल और वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फटाफट से लगाते चलिए आंसर कि काल के आधार पर वेदों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों की जो है वो फटाफट से रिवीजन ही हो रही है, ये समझिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? सभी तरीके के प्रश्न हैं यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, वैदिक काल से संबंधित हैं, मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल से संबंधित है, और आपके कोर्स में ये सभी टॉपिक हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि काल के आधार पर पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है वेदों को, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल जिसमें किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की रचना हुई, याद रखें। और उत्तर वैदिक काल में जो तीन है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी रचना हुई। घनानंद के बाद मगध का शासक कौन बना? घनानंद के बाद मगध का शासक कौन बना? अशोक बना, मगाधीरा बना, बिंदुसार बना, या चंद्रगुप्त मौर्य बना? तो नंद वंश का शासक था घनानंद, ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक। इसके बाद मगध का शासक जो है वो कौन बनता है? तो क्या रहेगा सही आंसर? अशोक रहेगा, मगाधीरा रहेगा, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। तो कई बार जो है वो आप लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को, तो सोचिए अब आपके जो है वो आंसर गलत नहीं होने चाहिए। सरल प्रश्न है, इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखें, किस महाजनपद का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है? सूरसेन, चेदी महाजनपद, मगध या कुरु? तो बताइए इसका सही आंसर जो है वो क्या रहेगा? सूरसेन जनपद, चेदी महाजनपद, मगध या कुरु? तो क्या रहेगा सही आंसर? यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ महाजनपद के बारे में पूछा गया है, और सूरसेन क्या है? जनपद था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर रहेगा चेदी महाजनपद, ठीक है। अगला देखें, मौर्य वंश के किस शासक का नाम उसके अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी मिलता है? अशोक का मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है, बिंदुसार का मिलता है, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही सरल प्रश्न है और हर किसी को इसका आंसर आता है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको इसका आंसर नहीं आता होगा। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक रहे हैं जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया, ठीक है, और अभिलेखों में उनका नाम जो है वो देव नाम प्रिय मिलता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा? बिंदुसार रहेगा, नहीं बिंदुसार नहीं रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं रहेगा, इसका आंसर रहेगा अशोक सम्राट। अगला देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। किस नदी की घाटियों को काटकर बनाई गई हैं? बागोरा नदी की घाटी, ताप्ती नदी की घाटी, दजला फरात नदी की घाटी, या नर्मदा नदी की घाटी? तो बताइए अजंता की गुफाएं किस नदी की घाटियों को काट कर बनाई गई हैं? तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? तो थोड़ा सा जो ऑप्शन है उनको भी हटाने की कोशिश करा करिए। दजला फरात ये तो भारत में ही नहीं है, और अजंता की गुफाएं भारत में है, ठीक है, तो सोचिए इसका क्या आंसर होगा। और ताप्ती जो है वो थोड़ा सा साउथ में चली गई है नदी, तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो रहेगा बागोरा नदी की घाटी। नेक्स्ट देखें, उदयपुर के उत्तर पूरब में किस स्थल से, एक तो उदयपुर के उत्तर पूरब में है ये स्थल, ठीक है, अब यहीं से पता लग गया आंसर। खुदाई में एक टीले के रूप में आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि आहड़ जो कि ग्रामीण सभ्यता रही, मिट्टी के अवशेष मिले यहाँ पर, ठीक है, तांबे के अवशेष मिले। अब बताइए यहाँ पर खुदाई में एक टीले के रूप में आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए, वो स्थल कौन सा है? उदयपुर का ही है, बालाथल स्थल, बेड़च नदी के किनारे, गिलुंड सभ्यता, या पचमता गांव? तो ये बी ऑप्शन तो हट ही जाता है, तो बताइए वो कौन सा स्थल है? पचमता गांव, ये भी हट गया, दो ही सभ्यताएं हैं इसमें से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ जो
आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो ये देखिए, यहाँ आंसर रहेगा ग्लूंड सभ्यता। ठीक है, आहड़ के समान ही अवशेष प्राप्त हुए हैं एक टीले के रूप में। सर्वप्रथम किस काल में बुद्ध की मानव मूर्तियां बनी थी? मौर्य काल में, सातवाहन काल में, कुषाण काल में और शुंग काल में। अब इसमें भी बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि सबसे पहले जो है वो किस काल में बुद्ध की जो है वो मानव मूर्तियां, इससे पहले क्या था कि बुद्ध के जो अवशेष थे उन्हीं की पूजा होती थी, तो इस काल में बुद्ध की जो है वो मानव मूर्तियां बनने लगी वो काल कौन सा था? मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण काल या शुंग काल? तो सोचिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो बिल्कुल राइट आंसर जो रहेगा वो है कुषाण काल। ठीक है, सबका ही सही होगा। अगला देखें, उत्तर वैदिक काल में कौन सा वेद नहीं लिखा गया? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही दे दिया था, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो मैंने आपको बताया पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, जब हमने दो भागों में बांटा तो इसमें उत्तर वैदिक काल जो है उसमें ऋग्वेद जो है वेद नहीं लिखा गया, इसके अलावा तीनों वेद जो है उत्तर वैदिक काल की देन है। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? ऋग्वेद। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, पूछा क्या है यहाँ पर? सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं पूछा, धार्मिक दृष्टि से नहीं पूछा, राजनीतिक दृष्टि से बताइए, मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या मुगल काल में? तो किसे माना जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल राजनीतिक दृष्टि से? यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था जो है वो बहुत ही अच्छी थी, मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या मुगल काल में? तो देखते हैं इसका आंसर जो है सबसे पहले कौन फटाफट से सही देता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सही रहेगा मौर्य काल। ठीक है, मैग्नीस्टीज ने अपनी इंडिका में राजनीतिक प्रशासन की जो बात की है मौर्य काल की ही बात की है। तो मौर्य काल में राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल इसको कहेंगे, याद रखना है। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से यदि पूछे तो आंसर आ जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति कैसी थी? दयनीय हो गई थी, पुरुषों के समान थी, पूजनीय माना जाता था या स्त्री प्रधान स्थिति थी? तो सोचिए क्या आंसर जो है इसका रहने वाला है। तो देखिए वैदिक काल जो है, वैदिक जो काल है और उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। वैदिक काल जिसे हम बांटते हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व, इसका जो है समय ये है। तो वैदिक काल यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, उत्तर वैदिक काल में आते आते कैसी हो गई, ये पूछा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि यहाँ पर जो है स्थिति जो है खराब हो गई। वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, हर जगह जो है उनको भाग लेने का अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है उन पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई। कुषाणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क, अश्वघोष, नागार्जुन या कुजुल कटफिसेस? तो ये सभी कुषाण काल से संबंधित ही नाम है, कनिष्क, अश्वघोष, नागार्जुन और कुजुल कटफिसेस। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल फटाफट से ही लगा दिया, इसका आंसर क्या है? कनिष्क। नेक्स्ट देखें, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? तो अभी मैंने आपको बताया था वांगो नदी के किनारे, नील नदी के किनारे, दजला फरात नदियों के किनारे या उपरोक्त सभी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार जो होता था तो इन्हीं सभ्यताओं से होता था। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई मेसोपोटामिया की सभ्यता। कई बार ऐसा होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आपके टॉपिक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता नहीं है, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके समकालीन जो भी चीजें होती हैं वहां से क्वेश्चन बन ही जाता है।
वैदिक काल में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में व्यापारी वर्ग को वैश्य कहा जाता था, मुद्रक कहा जाता था, पणि कहा जाता था या संख्यक कहा जाता था? तो बताइए, वैदिक काल में व्यापारी वर्ग को क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा पणि कहा जाता था। ठीक है, कहीं पाणी भी लिखा होगा। किसने कहा था कि भारतीयों को अनादिकाल में लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा होगा? किसने कहा था कि भारतीयों को अनादिकाल में लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा होगा? ऑप्शन है, निकोलस ने कहा ये, मैग्नस थीस ने कहा, विल्सन ने कहा या जेम्स टॉड ने कहा? तो बताइए कि भारतीयों को अनादिकाल में लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा होगा, ऐसा कथन किसका है ये? यहाँ पर जो आंसर रहेगा, ये कथन जो है वह है विल्सन का। ठीक है, याद रखिएगा, विल्सन ने कहा कि भारतीयों को अनादिकाल में लोहे को गलाने की कला का ज्ञान था। कौन सा वेद जो है वो चंपू शैली में लिखा गया है? कौन सा वेद चंपू शैली में लिखा गया है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? कई बार मैंने ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पहले भी पूछा है और फिर भी बच्चे जो है इसका आंसर गलत तो देते हैं, क्योंकि याद ही नहीं रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सा वेद है। तो चंपू शैली यानी कि गद्य पद्य दोनों में लिखा गया वो है यजुर्वेद। ठीक है, दक्षिण भारत के मदुरई शहर में तमिल भाषा के साहित्य को क्या कहा जाता था? निरुपम साहित्य कहा जाता था, संगम साहित्य, अधिगम साहित्य या श्रृंग साहित्य? तो आपके एग्जाम में जो है ऐसे ही जो है क्वेश्चन पूछा गया है तमिल भाषा के साहित्य से संबंधित। ठीक है, वहां पर बच्चे जो है वो आंसर गलत करके आए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा, संगम साहित्य। क्या कहा जाता था? मदुरै शहर में तमिल भाषा के साहित्य को संगम साहित्य कहते थे। निम्न में से कौन सा नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नहीं था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, तो इनके समय जो है नौ रत्न थे इनके दरबार में। तो इनमें से अमर सिंह, वररुचि, वराहमिहिर और हरिशयन, इनमें से कौन इनके शासन में नहीं था? यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन नहीं था, सोचिए। इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा? बिल्कुल, चलिए यहाँ जो आंसर है वो बिल्कुल सही लगा रहे हो, हरिशयन। ठीक है, बाकी अमर सिंह, वर रुचि, वराहमिहिर ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा स्थल सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा? हड़प्पा, बालाथल, चंद्रावती या मोहन जोदड़ो? तो सबसे पहली बात कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो सबसे पहला जो स्थल था वो कौन सा था? बिल्कुल, वो था हड़प्पा। ठीक है, और इसको किसने खोजा? दयाराम साहनी ने 1921 में, और वहीं मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो आज हम यहीं तक प्रश्न करेंगे, और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और सभी ने जो है वो इन प्रश्नों के आंसर जो है वो लगभग बच्चों ने सही दिए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग तैयारी करते रहो बहुत अच्छे तरीके से और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए। तो चलिए ऐसे ही हम तैयारी करते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्न के साथ। थैंक यू।